और अब बात करते हैं उस तब्दीली की जिसके असरात नजर आने लग गए हैं। अलीम खान वजारत का हल्फ लेने से पहले अपने कारोबार और कंपनी से मुस्ताफी। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि वो अपने तमाम कारोबार और कंपनीज की चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टरशिप से मुस्ताफी हो गए हैं। बात कर लेते हैं, आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, बताइएगा इससे मुतालिक। वो तब्दीली है वो नजर आनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि पंजाब कैबिनेट के अहम रुकन और वजीर आला पंजाब के लिए भी नामजदगी इनकी काफी रही और इनकी बातें भी चलती थी, लेकिन ये है कि जो अलीम खान है उनको सीनियर वजीर बना दिया गया और उसके बाद उन्होंने अभी हल्फ लेने से पहले ही अपनी जो कंपनियां उनकी थी और जो उनके कारोबार थे उसकी सीईओशिप से और इसके साथ साथ जो कंपनी के डायरेक्टरशिप उनके पास थी उनसे मुस्ताफी हो गए हैं। उस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया है। ट्वीट में भी बड़ा वाजे ये पैगाम दिया गया है कि मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई फायदा या नुकसान मैं अपने वजारत के हवाले से अपने कारोबार को दे सकूँ, तो इसी की बुनियाद पर मैं इससे इस्तीफा भी दे रहा हूं और मैं काम करूंगा मुल्क के लिए और कौम के लिए काम करूंगा, मेरी वजारत का किसी किस्म का कोई ताल्लुक मेरे कारोबार के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छी तब्दीली की है जो निकलनी शुरू हो गई है और अच्छी बात है कि एक जो अलीम खान सीनियर वजीर भी उनको नामजद किया गया है और उन्होंने हल्फ भी उठाना है और हल्फ उठाने से पहले उन्होंने अपने कारोबार की डायरेक्टरशिप और उनकी सीईओशिप से मुस्ताफी होने का फैसला किया और बाज़ाब्ता तौर पर इसका ट्वीट भी जारी किया। जी शुक्रिया आकिब तनवीर अपडेट किया आपने।